गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से ही अपना ये जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेथी का डिब्बा खुल चुका है, लहसुन का डब्बा खुल चुका है, गैस कर सकते हैं तो कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, वरना मैं तो बता ही देती हूँ आपको कि मेथी के पराठे बना रही हूँ आज के ब्रेकफास्ट में। और साथ ही साथ आटे का डिब्बा धोने के लिए रख दिया है मैंने, क्योंकि आटा जो है इसमें का ख़त्म हो चुका था और आटे का डिब्बा बहुत गंदा हो रखा था, तो चल रहा था कि जैसे ही ख़त्म होगा धोने रख दूंगी। और यहाँ पर ये सारे धुलने वाले बर्तन और ये रहा अपना आटा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फूड प्रोसेसर को सुबह सुबह इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिया है, उसमें ये चॉपर वाला जो ब्लेड है इसे लगा दिया है, क्योंकि ये जो लहसुन और मेथी है दोनों को बारीक काटने का काम सुबह सुबह यही करने वाला है। विद इन 1 मिनट के अंदर मेरी जो मेथी है और लहसुन है बारीक चॉप हो गई थी, एंड इसकी वजह से ना आजकल कुकिंग करना बहुत ज़्यादा मुझे आसान लगने लग गया है। ऐसा नहीं है कि हाथों से मेथी काटना टफ है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है और मेस भी बचाता है। मतलब अगर आप सोचिए मैं इतनी मेथी हाथ से काटती तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेस हो जाता, पर यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इस ब्लेड को हटा कर इसमें नीडिंग वाला ये जो टूल है इसे डाल दूंगी। और बस आटा डाल दिया है मैंने उसी लहसुन और मेथी के कंटेनर में, और आटे के साथ साथ तेल जाएगा, हल्दी थोड़ी सी, नमक स्वादानुसार, और सबसे लास्ट में चिली फ्लेक्स। बस इन सबको मैं डालकर इस डिब्बे को बंद कर दूंगी, मतलब इस कंटेनर को। और बस मैंने अपने फूड प्रोसेसर को ऑन कर दिया है, अब ये आटा गूंथ जाएगा विद इन 1 मिनट के अंदर। मतलब आप देख सकते हैं आटा गूंथने के लिए भी जो 10-12 मिनट मुझे लगने वाले थे, प्लस मेरी हाथों की भी मेहनत लगने वाली थी, वो बच चुकी है यहाँ पर। तो बस देखते ही देखते सब्जियाँ कट गई, आटा गूंथ गया, और इस फूड प्रोसेसर की मदद से कम मेरे 20 मिनट बच गए हैं और हाथों की मेहनत भी बच गई है, मेस भी बच गया है। सो ओवरऑल मेरे लिए तो ये फूड प्रोसेसर एकदम विन विन काम कर रहा है। तो आटे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मेथी का आटा, ये जो है मेथी के पराठों का आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है, परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए। और इग्नोर करिएगा वो मेरे बालों में जो भी मैंने रबर बैंड लगाया ना उसे, वो मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे नॉर्मल ब्लैक वाला रबर बैंड नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जो मिला वो मैंने लगा दिया। और यहाँ पर मेरी बर्तन वाली जो है वो भी आ चुकी है, तो वो अपना बर्तन धो रही है, और लगे हाथ मैंने पराठों की ये तैयारियाँ जो है चालू कर दी है। वैसे सुबह के समय पर थोड़ी ठंड है इसलिए मैंने जैकेट वगैरह भी पहना हुआ है। तो पराठों को बनाने के लिए मैंने ये ट्रायंगल शेप चुना है, कोई कोई इसे स्क्वायर शेप में भी बनाते हैं, और कोई कोई इसके अंदर बिल्कुल तेल ना लगाए बिना ही इसे बना लेते हैं और तवे पर डाल देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर मुझे ये ट्रायंगल वाले जो पराठे बनते हैं मेथी के अच्छे लगते हैं। तो पराठे तो बहुत बढ़िया से सिक गए हैं और यहाँ पर सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बने जा रहे हैं। फ्रेश फ्रेश ऑरेंजेस है जो कि मैं मेट्रो से लेकर आई थी, आपने देखा ही था, बस इन्हें धोकर अच्छे से काट कर उसी फूड प्रोसेसर में इसका जूस बनाने जा रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, और ये मतलब एक ऐसा हैंडी हो गया। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है इस फूड प्रोसेसर का, ये मैंने खुद खरीदा हुआ फूड प्रोसेसर है, बस मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हूँ ना इससे, तो थोड़ा सा ज़्यादा गुनगान कर रही हूँ, बट आप खुद भी देख रहे हो। तो बस इस तरह से मौसम्बी संतरे को कट करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करके ये जूस पूरा निकल जाता है, आप देख सकते हो ये पूरा पल्प निकाल लेता है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट का टेबल लग चुका है, गर्मा गर्म मेथी के पराठे, फ्रेश ऑरेंज जूस, और हाँ रामफल भी कटा हुआ है। रामफल भी आजकल मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, रामफल की जो मिठास होती है ना गज़ब की, मतलब मज़ा आ जाता है। सो यहाँ पर तो हमारा ये संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो हो ही रहा है, उसी के बाद मेरी जो हाउस हेल्प है वो चली गई हमारे दूसरे वाले ऑफिस वाले घर में, जहाँ पर फिर उसने अपना ये सफाई का जो प्रोसेस है चालू किया, तो उसके साथ यहाँ पर आना पड़ता है। ओके, तो मैं नहा चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, तो जब तक मेरी जो हाउस हेल्प है यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही है तब तक मैं थोड़ा देर यहाँ पर बैठती हूँ, क्योंकि द थिंग इज़ कि फिर अच्छे से काम नहीं हो पाता। गॉट इट राइट। सो सामने रहो तो अच्छे से काम हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। आज थोड़ा बाहर जाना है लेंस काट, मेरे लेंस जो है वो हो गए, ख़त्म हो गए, तो वो लाने हैं। और मैंने अच्छे से कवर कर लिया है क्योंकि ठंड है यहाँ पर, तो हाफ ये जैकेट पहना है,
बहुत प्यारा है, मतलब बहुत सॉफ्ट स्मूथ और अच्छा गर्मी भी दे रहा है। अब जब मैं रेडी हो चुकी हूँ तो अनिका को भी रेडी कर देती हूँ। और हाँ, वो वाइट वाला रबर बैंड अभी भी मेरे बालों में है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। मैं अभी उसे निकाल कर ही अपने बाल खोलूँगी, और उससे पहले अनिका को रेडी कर रही हूँ। और वो देख रहे हो हेयर स्टाइल की वीडियो देख रही, क्योंकि उसे चाहिए थी वैसी वाली हेयर स्टाइल जो एक किसी ने बनाकर दिखाई थी। अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि बेटा छोटे बालों के साथ इतनी अच्छी हेयर स्टाइल नहीं बन सकती, और थोड़े से बाल घने भी होने चाहिए। बट बच्चे तो बच्चे होते भाई, इन्हें समझाना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मास्क ले लिया है, और ये इतना मोटा होता है ना, इसकी वजह से मैं कितनी फूली फूली लग रही हूँ। लेट्स गो गाइस। सबने मास्क ले लिया ना अपना अपना? मेरा भी मास्क। ओके ओके तो मुझे लेने हैं लेंस कार्ट से लेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वही लेने हम जा रहे हैं इंदिरा नगर। तो इंदिरा नगर से पहले ये जो पॉलीटेक्निक आता है ना, यहाँ पर जाम लगा रहता है। अब देखिए, मैंने तो आपको पॉलीटेक्निक बता दिया, पर जो लखनऊ के नहीं है उन्हें मैं बता दूँ, तो यहाँ पर एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है, जिसकी वजह से इस एरिया का नाम पॉलीटेक्निक पड़ गया, और इसी के बाद आता है इंदिरा नगर। लेंस कार्ट में मेरे लेंस आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पर सिंह ऑप्टिकल्स दिख रहा है, वहाँ चला जाए। कुर्तियाँ कैसे? कोई भी, कोई भी 250 की, कॉटन की है क्या? तो सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में इतनी बढ़िया कॉटन की लखनवी वर्क वाली कुर्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। इस समय मुझे तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं खरीद रही हूँ, पर आप देख सकते हो यहाँ पर थन के कपड़ों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। वैसे ये है बहुत ही फेमस लखनऊ का भूतनाथ मार्केट, और थन के कपड़ों का कलेक्शन अमेजिंग के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें मिलती है, जैसे कि फल हो। ये कैसे? दो एक वो दे दो। ऐसे 120 ये ले लो। नहीं बहुत बड़ा, दो ही बहुत हो जाएगा, आधा किलो दे दो भैया, आधा किलो बहुत है। और भूतनाथ में ना पानी पूरी 10 रुपए की 6 मिलती है, अलग अलग पानी के साथ। तो अनिका तो हमेशा जब भी, मतलब ये सेकंड टाइम है और मैं तीसरी बार गई हूँ भूतनाथ, और तीनों बार मैं भी पानी पूरी खा कर आई हूँ। और यहाँ पर ये बिक रहे हैं सिंगाड़े। सिंगाड़े चाहे आप बिना उबले हुए ले लीजिए या उबले हुए, जैसे भी 50 रुपये के आधा किलो है, तो मैं तो उबले हुए लेती हूँ, जो कि बहुत मुझे पसंद है। और इस तरह से ये धो धा कर एकदम अच्छे से सिंगाड़ा दे रहे हैं, और ये सिंगाड़े वाला मौसम चल रहा है अभी, ये पूरे ऑल सीज़न नहीं मिलता है। और उसी के बाद हम आ गए थे ट्रेंड्स, जहाँ पर बच्चों के कपड़ों का कलेक्शन बहुत प्यारा था। और ये वाइट स्वेटर आप देख रहे हैं, है ना बहुत ही सुंदर सा, बड़ों का है? बड़ों का है, वो पता चल रहा है वो बड़ों का है। ये मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। और फिर हम लोग निकले रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो जहाँ पर हमें जाना था वो तो बंद था रेस्टोरेंट, तो हम लोग फिर यहाँ वहाँ देख कर बीकानेर वाला ही पहुँच गए। यहाँ पर हम लोग गुड़गांव में भी खाना बहुत इंजॉय करते थे, मुंबई में भी, और अब जब लखनऊ में भी मुझे बीकानेर वाला मिल गया है, जिसकी प्लेटर ये जो है ना, ये तंदूर प्लेटर, ये मुझे और राज को बहुत पसंद आती है। और इसका जो पिज़्ज़ा था ना, बेहतरीन था, बहुत अमेजिंग पिज़्ज़ा था। और बीकानेर वाला आकर अगर छोला भटूरा ना खाए तो फिर क्या मज़ा यार। तो हमने वो भी ऑर्डर किया था, उसे भी खाया। और अब आप प्लीज़ डाइट 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 मत करिएगा, क्योंकि आई एम इन्जॉइंग माई फूड, सून आई विल स्टार्ट माई डाइट अगेन। कई दिनों के बाद बीकानेर वाला फिर खाना खा के ना, बस मज़ा ही आ गया। और अनिका का पिज्ज़ा इतना टेस्टी था, पूछो मत। वैसे थोड़ी सी मिठाई आप भी देख सकते हैं, बेहतरीन अलग अलग तरह की स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पर मिलती है। कभी ट्राई नहीं किया तो बीकानेर वाला ज़रूर ट्राई करिएगा। वो नहीं
आ रही है, बाय बाय। हो गई मिठाई। तो बस हम लोग फिर निकले घर की तरफ, और ये जो एरिया है आप देख ही सकते हैं। वैसे लखनऊ में अगर आप कभी नहीं आए हैं तो मैं आपको कहीं ना कहीं लखनऊ का टूर अपने व्लॉग्स के थ्रू दे ही रही हूँ। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो लाइक तो करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। वैसे लखनऊ बहुत ही सुंदर एक प्यारा सा सिटी है, और इस साल स्वच्छता अभियान में भी लखनऊ का आपको पता होगा कि नंबर 15वें पर नंबर आया है, तो ये भी मुझे अच्छी बात लगी। और ये जो ऊपर की तरफ है ना, ये मेट्रो की लाइन है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये स्पेशल, मतलब बहुत फेमस एरिया है इंदिरा नगर, जहाँ पर ना काफ़ी सारे शॉप्स, डॉक्टर्स अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू लखनऊ के बाकी हिस्सों से। क्योंकि अब मैं जब गूगल करती हूँ कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, तो मुझे सारी चीज़ें ना इंदिरा नगर में ही मिलती है घूम फिर कर। तो अच्छा एरिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एरिया है रहने के लिए वगैरह। वैसे अगर आप लखनऊ के हैं, आपकी क्या राय है इंदिरा नगर के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं पॉलीटेक्निक, जहाँ पर अभी ये गाड़ियाँ रुक जाएंगी। यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता है। मैं 3 बार यहाँ पर आई हूँ और तीनों बार मैंने नोटिस किया है कि ट्रैफिक होता ही होता है यहाँ पर। और लीजिए हम आ गए हैं मेरी सोसाइटी, और सोसाइटी में बस कार पार्किंग होगी। वैसे ये मैंने ना मेरा गाड़ी के अंदर एक नया सेटअप किया है कैमरा के लिए। क्या आप इंजॉय करते हैं इस तरह का आउटसाइड का व्यू थ्रू माय कैमरा, थ्रू माय व्लॉग? लेट मी नो गाइस, क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस तरह से आपके लिए बहुत सारा कॉन्टेंट बनाना। बट आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। कपड़े चेंज हो गए हैं, और राज की जो बीकानेर से ली गई मिठाई थी उसे भी खाकर पानी पीने का मतलब वो हो गया। बहुत अच्छी मिठाई थी गाइस। मैंने ना आज हेयर स्टाइल बनाई थी ना वो वाली, तो मेरे हेयर स्क्रम्पी हो गई है, देखिए कितनी सुंदर दिख रहा है नेचुरली। ओके, तो अब मैं आपको मेरे शर्ट में शुशु कर दिया। इग्नोर डैट गाइस। तो मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूंगी कि हमने क्या क्या खरीदा। तो ये वाला स्वेटर मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने देखते ही इसे मतलब एकदम नजरों से इसमें प्यार हो गया था मुझे, तो ये तो लेना ही था, अनिका के लिए लिया है। और ये मुझे मिला है 800 का, और हमने ऐसी रैंडम शॉपिंग की, वो भी अनिका के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत लग नहीं रही थी कि कुछ भी खरीदे। ये एक लेगिंग है येलो कलर की, ये ब्लैक कलर की, ठीक है, और ये ग्रे कलर की, सारे कलर ले लिए लग रहा है, अभी ब्लू कलर की स्वेटर, रेड शायद पहले हम लोग ले चुके थे। और फिर चलते चलते बेसिक चीजें और खरीदी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, जैसे कि ये रस्सी मिल नहीं रही थी, और फाइनली चलते चलते राज की नजर गई कि इस दुकान में मिल जाएगी, और मिल गई। तो कपड़े सुखाने के लिए इस रस्सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अब अच्छे से जल्दी जल्दी कपड़े सूखेंगे। उसके बाद ये एक ब्रश, इसकी मदद से मैं राज के जो आगे के दांत हैं उन्हें घस पाऊंगी ऐसे से। सो नहीं, हम दोनों एक मेके घिस देंगे। सो इग्नोर डैट मजाक वाला पार्ट। तो ये बेसिंग के लिए खरीदा है, क्योंकि गंदा हो जाता है तो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद अरे ये मेरा गुम हो गया था, वाइट वाला, ये लोहा है, ये लोहा कैसे पता? देख के पहचान जाता मैं, सच में 100%। ओके गाइस, अब मैंने ले लिया है, मुझे समझा ही नहीं, और अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है कि लोहा है, कहाँ से दिख रहा है इन्हें। हाँ दिखा दो प्लीज, आप दिखा दो, तब तक मैं बाकी चीजें दिखाती हूँ। और ये हुक्स होती है ना जो दीवार में लगेंगी, और इन्हीं को फिर रस्सी जो है इस तरह से लटकेगी जिससे कपड़े सूखेंगे। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है सिंगाड़ा, ठीक है, 50 रुपये का आधा किलो सिंगाड़ा मैं खूब खा रही हूँ, जब भी मिल जाता है ना तो मैं ले लेती हूँ। और ये बड़े वाले अमरूद, ये 80 रुपये के कुछ आधा किलो मिले हैं। बस इतनी सारी चीजें, और आ गया है यहाँ पर मैग्नेट चेक करने वाला। नहीं, ये लोहे का नहीं है,
नहीं है गाइस, ये लोहे है, खींच रहा है, हल्का हल्का है, थोड़ा 10% लोहा डाल दिया होगा, मिक्स है, खींच रहा है, मतलब हल्का है, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, बन रही है चाय राज के लिए, ये देखिए बढ़िया एकदम। और अनिका जिद करिए कि मम्मी मेरे को खेलने लेकर जाओ। वैसे वो अकेले भी जा सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि पहले कुछ दिनों तक मैं उसे लेकर जाऊँ। मुझे जब तसल्ली हो जाएगी कि हाँ वो यहाँ की जगह से पूरी तरह से घुल मिल गई है, उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, सब कुछ अभी सेट हो गया है, फिर वो अकेले जा सकती है। पर अभी शुरुआत है, मतलब हमें खुद भी आकर यहाँ पर एग्जैक्ट एक महीना हुआ है, लास्ट 20 दिनों से अनिका खेलने जा रही है। बट थोड़ा सा यू नो, एक माँ का दिल होता है ना कि तसल्ली पूरी हो जाए फिर वो अकेले भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी है उसके पापा की, अनिका के पापा अभी नीचे खड़े हैं अनिका के लिए, और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा नीचे स्पेंड किया है। तो अभी हमारी चल रही है चमचम पार्टी, और भाभी जो है मेरा ही वीडियो देख रही है, मेरी ट्रू फॉलोवर है, पूरा वीडियो देखती है, और जब पब्लिश हो तभी यहाँ पे पचका भी हो गया है मेरा कुछ और चल रहा है, गलती से कुछ और। तो ये हम लोग आज बीकानेर से चमचम लाए थे, तो भैया के बिना ही हम लोग चमचम पार्टी कर रहे हैं। भैया को चमचम के ऊपर ही ऊपर जमाते क्या है क्रीम, बताइएगा जिसे पता है वो बताइएगा। तो मैं तो यहाँ पर लहसुन छील रही हूँ और भाभी बना रही है तहरी, उन्होंने बोला कि वो बनाएंगी आज तहरी। तो इस तरह से ना हम लोग मिलजुल कर अपना खाना जो है बनाते हैं, खाते हैं, एंड बिलीव मी इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है कि एक अलग ही, मतलब हमारे घर में ना मस्ती चलती रहती है। और भैया भाभी तो आप देखते ही हो कितने, मतलब हंसमुख है, कितना हंसाते हैं, तो ये एक ना माहौल हमारे घर का ना काफ़ी ऐसा चलते रहता है कि मतलब पता नहीं चलता है समय कहाँ गुजर जाता है। और मेरी मम्मी तो आजकल बोलती भी है कि बेटा तुम्हें टाइम भी है मुझे फ़ोन करने का, क्योंकि सुबह से शाम कैसे हो जाती है मुझे नहीं पता चलता, पूरे टाइम हम लोग की ऐसी ही बातें और ऐसी ही चीज़ें करते करते दिन निकल जाता है, विच वी रियली इन्जॉयड हर कोई, मतलब चाहे अनिका हो, मैं हो, भाभी हो, भैया हो, हर कोई इन्जॉय करता है एक मेक की कंपनी यहाँ पर। और हाँ, ये सारी जो कटिंग दिख रही है ना, गोभी, टमाटर, आलू, ये भाभी बना रही है तहरी उनके स्टाइल में, बहुत अच्छा बनाती है सरसों के तेल के साथ, बहुत अच्छा। और मैं यहाँ पर मेथी के पराठे फिर से बना रही हूँ, थोड़ा सा पराठा जल गया कैमरा चालू करने के चक्कर में। तो भैया को मैंने पूछा था, डॉक्टर साहब को, कि क्या वो मेथी के पराठे खाएंगे, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बोला ठीक है वो भी बन जाएंगे, तो उन्हीं के लिए और जिन्हें और खाना है उन सब के लिए यहाँ पर मेथी के पराठे पटापट में बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह ही आटा गूंथ दिया था मैंने। और फिर यहाँ पर हमारा डिनर, जिसमें हम लोग खाना मुझे लगता है कम खाते और गप्पे बहुत करते, मतलब हम चारों बैठ जाए ना तो दिन का रात और रात का दिन हो जाए, हमें पता ना चले, इतनी हमारे पास बातें करने के लिए होती है। एंड जो हम लोग खाना इंजॉय करते हैं, चीज़ें वो करते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस, ऐसा लगता है कि सच में हमें भगवान ने ऐसा एक आशीर्वाद दे दिया कि फ्रेंड्स के साथ इस तरह से टाइम हमारा हंसते हंसते गुजर रहा है। तो रात के बज रहे 9:30 और समय हो गया है कि इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। ऑफिस में थोड़ा सा काम चल रहा है हमारे, ऐसे हमारी बॉस की सीट पर कोई और बैठा है, सुपर बॉस ये सुपर बॉस सिर्फ रात में बैठते हैं, दिन में बैठते हैं, रात में भैया 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 तो बॉस है या सुपर बॉस है? आपके घर की सुपर बॉस नहीं बात कर रहा, अच्छा आपके। तो चलिए और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कर देना।